फ्रेंड वेलकम बैक टू नॉलेज। मेरा नाम है रैन मालवी। आज हम देखने वाले हैं सामाजिक क्षेत्र की पहल में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, और इन योजनाओं के माध्यम से चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, या किसी भी वर्ग समुदाय के लोग हों, उन सभी लोगों को भारत सरकार के द्वारा फ़ायदा दिया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र की पहल में हम इन योजनाओं को वन बाय वन समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से भारत सरकार जो सोशल सेक्टर की इनिशिएटिव्स लेती है उनसे किस प्रकार लोगों को फ़ायदा होता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। पहली योजना है पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसको शॉर्टकट में प्रसाद योजना भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये योजना जो है किसके द्वारा चलाई गई है, तो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मतलब पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। इसको 2014-15 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इसके उद्देश्य को हम समझें कि जो पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव या प्रसाद योजना है, इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि ऐसे चिन्हित तीर्थ और विरासत स्थल जो हैं उनका एकीकृत विकास करना, क्या करना, एकीकृत इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना, ये इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। क्या उद्देश्य है, चिन्हित तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो योजना है वो है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। क्या है, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, शॉर्ट में इसको हृदय योजना भी बोलते हैं। इस योजना के लॉन्च होने की डेट की हम बात करें तो इस योजना को 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। यदि हम इस योजना के उद्देश्य को समझें तो इस योजना का उद्देश्य है क्या, उद्देश्य है कि प्रत्येक विरासत शहर के जो हेरिटेज कैरेक्टर है, मतलब हम जितने भी हेरिटेज सिटीज़ को देखते हैं तो हर एक हेरिटेज सिटी का क्या होता है, अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना एक हेरिटेज कैरेक्टर होता है। तो इसको संरक्षित करने के लिए क्या किया गया, समावेशी तरीके से शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाने का लक्ष्य रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि इन जो हेरिटेज सिटी है इनके हेरिटेज कैरेक्टर को संरक्षित करना है, हेरिटेज चरित्र को संरक्षित करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन जो कि काफ़ी फेमस योजना है, आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सुना भी होगा। यदि हम इस योजना की बात करें 2015 में आई थी, ठीक है ना। यह योजना क्यों आई थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत की जो आबादी है 31% आबादी कहाँ रहती है, शहरों में रहती है। तो इस आबादी को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्यों करेंगे, क्योंकि जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतर सुविधाएं होंगी तो लोग शहरों के प्रति आकर्षित होंगे और इसमें क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, ठीक है। तो स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और आर्थिक विकास को गति देने हेतु स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया। क्यों लाया गया, तो इसको समझेंगे हम, क्यों लाया गया, स्थानीय विकास को सक्षम करने के लिए, मतलब जहाँ जो सिटी है उसका स्थानीय विकास हो, स्थानीय लेवल पर क्या हो, उसका विकास हो, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से, है ना, लोगों की जो लिविंग क्वालिटी है उसको सुधार हो, इससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा या आर्थिक विकास में गति आएगी। इसलिए क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लाया गया। नेक्स्ट हम योजना की बात करें वो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात करें तो ये 2015 में आई थी। अब समझते हैं ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या। यदि हम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात करें तो इसके तहत क्या होगा कि जो घर में रखा सोना है वो बैंक में जमा कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको गोल्ड की सालाना वैल्यू पर 2.25% ब्याज बैंक आपको देगा, ठीक है। तो ये क्या है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। नेक्स्ट स्कीम हम देखें स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम की हम बात करें तो ये कब स्टार्ट हुई थी, 16 जून 2016 को स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई थी। यदि हम इस योजना की बात करें, स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्यों आई थी, क्या उद्देश्य थे इसके, तो इसका उद्देश्य था व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए, व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत जो नई जनरेशन या नई सोच वाले लोग हैं उनको जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ते हैं इन लोगों को, ताकि ये अपने आप को रोज़गार दें, साथ ही साथ दूसरों को भी रोज़गार दें, ठीक है। इसलिए इस स्टार्टअप इंडिया के तहत क्या उद्देश्य, व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारी स्टैंडअप इंडिया। स्टैंडअप इंडिया की हम बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 5 अप्रैल 2016 को।
स्टैंड अप इंडिया का भी स्टार्ट हुई थी 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई थी। अब इसका क्या उद्देश्य है, स्टैंड अप इंडिया का क्या उद्देश्य है, तो इसके तहत जो प्रत्येक बैंक शाखा होगी कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। कितना? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के। लेकिन किन लोगों के लिए? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है ना। और इसमें लिमिट क्या है? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की लिमिट है इसमें। अब ये लोन किस फील्ड के लिए दिया जाएगा, तो इसमें विनिर्माण क्षेत्र भी आ सकता है, सेवा क्षेत्र भी आ सकता है, व्यापार क्षेत्र भी आ सकता है। इन क्षेत्रों में बैंक इन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ऋण दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो योजना है डिजी लॉकर योजना है। डिजी लॉकर योजना की हम बात करें तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसे 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यदि हम बात करें इससे क्या फ़ायदा होगा, तो जो डिजी लॉकर है इसकी सुविधा लेने के लिए सबसे पहले आपके पास भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया आधार कार्ड होना चाहिए। इस आधार कार्ड के माध्यम से आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद क्या फ़ायदा होगा इसको, इससे आपको आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो फिजिकली आप अपनी फाइल में रखते हैं डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर पर। ये एक ड्राइव जैसा है, ठीक है। आप इस पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट जो योजना है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है ये आई थी 28 जून 2015 को और इसे लॉन्च किया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अब इस योजना को किसके द्वारा चलाया जाता है, तो इसको चलाया गया है बिजली मंत्रालय द्वारा, है ना। बिजली मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई योजना है। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो विशेष रूप से जो भारत का शहरी क्षेत्र है, शहर जो एरिया है, सिटी एरिया है, ठीक है ना, तो विशेष रूप से भारत के शहरी क्षेत्रों में पावर ट्रांसमिशन और सबमिशन नेटवर्क में जो खामियां हैं, है ना, उनको दूर करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट जो हमारी योजना है उसको हम देखेंगे उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक क्या है? उड़ान का फुल फॉर्म है। अब इस योजना की हम बात करें तो कब आई थी? 27 अप्रैल 2017 को आई थी। कब आई थी? 27 अप्रैल 2017 को। अब इसके नाम से स्पष्ट है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम का मतलब है कि जो हवाई टिकट्स हैं, एयर टिकट्स जो मिलती हैं, है ना, उनको कम कीमतों पर उपलब्ध कराना है। क्यों कराना? ताकि जो आम लोग हैं वो भी एरोप्लेन के थ्रू, है ना, यात्रा कर सके, आम लोगों के उसमें भी ये रेंज में आ सके, इसलिए उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट स्कीम है हमारी नेशनल बाल स्वच्छता मिशन। नेशनल बाल स्वच्छता मिशन ये कब लॉन्च हुई? 14 नवंबर 2014 को। यह किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी? तो यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी। इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 14 नवंबर 2014 को आई थी और किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई, तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना लाई गई थी। अब इस योजना के उद्देश्य की बात करें, क्या है इस योजना का उद्देश्य, तो इस योजना के नाम से ही स्पष्ट है कि ये योजना किसके लिए है? बच्चों के लिए है, ठीक है ना। तो स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको स्वच्छतापूर्ण वातावरण प्रदान करना इस नेशनल बाल स्वच्छता मिशन का लक्ष्य है। यह मिशन मोदी जी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा है। हम जब भी जानते हैं कि स्वच्छ भारत में जो मिशन है वो एक राष्ट्रीय मिशन है, है ना, तो इस मिशन का ही क्या है, ये एक हिस्सा है। अब हम नेक्स्ट योजना की बात करेंगे, वन रैंक वन पेंशन योजना। वन रैंक वन पेंशन योजना क्या है? ये 2014 में आई थी। यदि हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो एक ही रैंक से रिटायर होने वाले अफसर हैं उनको एक जैसी पेंशन मिले, ठीक है, उनको मतलब अलग अलग पेंशन ना मिले, एक जैसी पेंशन उनको दी जाए, यह इस योजना का उद्देश्य है। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने कई योजनाएं देखी जो कि सामाजिक क्षेत्र की पहल के अंतर्गत आती हैं या भारत सरकार के द्वारा इनिशिएटिव्स लिया गया है ताकि हर एक क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो। तो आज हमने देखा कौन कौन सी योजना, हमने देखी प्रसाद योजना। प्रसाद मतलब होता है पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। दूसरा हमने देखा नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, शॉर्ट में इसको हम हृदय योजना भी बोलते हैं। तीसरा हमने देखा स्मार्ट सिटी मिशन देखा जो कि शहरों के विकास के लिए है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, गोल्ड देकर आप इससे ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप को हमने देखा। स्टैंड अप इंडिया के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन प्रदान करने की स्कीम है। डिजी लॉकर स्कीम हमने देखा, डिजी लॉकर स्कीम में कि जो अपने डॉक्यूमेंट है उसको हम डिजिटली अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
फिर हमने देखा इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत जो भारत के शहरी क्षेत्र है उसमें पावर ट्रांसमिशन और सबमिशन नेटवर्क की खामियों को दूर करना है। फिर हमने देखा उड़ान स्कीम, इसके तहत आम नागरिकों को सस्ते टिकट्स एयर टिकट्स प्रोवाइड करना है। फिर हमने देखा नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, जो भारत के स्कूली बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना। फिर हमने देखा लास्ट वन रैंक वन पेंशन स्कीम, इसके तहत हर एक रिटायर अफसर को एक जैसी पेंशन दी जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस चैनल पर आपको यूपीएससी रिलेटेड सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आपका यूपीएससी हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे वीडियोस आपको ए टू जेड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसमें यूपीएससी की लिस्ट बनी हुई है ना यूट्यूब पर, उस लिस्ट पर जाएंगे तो आपको सारे यूपीएससी के वीडियोस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा वन बाय वन वीडियोस आते रहेंगे और आप उनको वॉच करते रहेंगे, ठीक है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।